बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे जानवर सेफ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये फीड है इसकी और ये बड़े शौक से खाती है। लो मैं डाल के देता हूँ आपको। इसको लगी है भूख, लगी हुई है, है? भूख लगी हुई है। अभी धूप निकल आई हुई है लेकिन उस तरह से सूरज दिया। यहाँ पे ये रैबिट हमारे माशाल्लाह से यहाँ पे चेक करें और इनके साथ देने के लिए देख सकते हैं कि सेफ हैं, इन्हें कोई इशू नहीं है। Welcome to our pet setup. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, भाई बहनों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैर खैरियत से हैं। रात बहुत तेज तूफानी बारिश रही है, तकरीबन 12:30 बजे बारिश शुरू हुई है और 3:15 बजे तक बारिश होती रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं बनी। माशाल्लाह से सारे जानवर सेफ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारे माशाल्लाह से ठीक हैं और आके मैं रात को इनको चेक करता रहा हूँ कि बारिश के अंदर पानी के अंदर भीग तो नहीं रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे सेफ थे, कोई ऐसा इशू नहीं था। तो ना ही अल्हम्दुलिल्लाह गली के अंदर पानी शानी खड़ा हुआ है। बारिश तेज़ थी लेकिन पानी भी जाता जा रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह की जो बारिश बरसी है वो रहमत ही रही है, बारिश जहमत नहीं बनी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आए अंदर चलते हैं और अंदर चल के अंदर की अपडेट लेते हैं। आ जाए जी। मैं अभी घास लेके आया हूँ गौतम के लिए, खरगोशों के लिए, और ये मेरे आगे पीछे चक्कर लगा रही है क्योंकि इसको चाहिए ये फीड इसकी, और ये फीड के लिए ये देखें इस तरह से घूम रही है। लो मैं डाल के देता हूँ आपको। इसको लगी है भूख, लगी हुई है, हैं? भूख लगी हुई है, भूख लगी है, देखें मेरे आगे पीछे चक्कर लगा रही है। डाल के दो, डाल रहा हूँ मेरी, एक मिनट। ये फीड है इसकी और ये बड़े शौक से खाती है। इस पर जो शक्ल बनी हुई है वो वाइट कैट की बनी हुई है। चलो इधर आओ, इधर आओ, शाबाश, इधर आओ, जाओ खा लो। ये देखिए, कल आपको बताया था ना कि भूख बड़ी जालिम चीज होती है। देखिए माशाल्लाह से सुबह का इसने नाश्ता करना है। मैरी अब नहीं, इधर देखेगी। मैरी मैरी मगन हो गए, जा रही है। चलो खाओ, हम चारा लेके ऊपर जाते हैं और जाके बाकियों को भी तो डाल लेना। अभी धूप निकल आई हुई है लेकिन उस तरह से सूरज नहीं निकला, आप देख सकते हैं। ये चेक करें, सूरज है सही लेकिन अभी उसकी तपश इतनी नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो गई क्योंकि बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो वो बहुत तेज़ निकलती है। नीचे मैरी को भी मैंने डाल दिया था, वो आपने देख लिया, और ऊपर इनको भी आके मैंने चारा चारा डाल दिया। यहाँ पे ये रैबिट हमारे माशाल्लाह से यहाँ पे खा रहे हैं, और जो तीन हमारे मेहमान रैबिट हैं वो यहाँ पे खा रहे हैं। कबूतर हमारे सारे इधर बिजी हैं। ये देखिए माशाल्लाह से टर्की हमारे यहाँ पे बिजी हैं, और माशाल्लाह से हमारा ये टर्की वाला चूज़ा जो उनसे माशाल्लाह से देखें ये अब काफ़ी बड़ा हो गया, चेक करें। लेकिन ये भी अपने माँ बाप की तरह नहीं देखता नीचे, खरगोश बेचारों के ऊपर पैर रख के चलता जाता। और आज वो हमारा कबूतर जो था वो यहाँ पे आके बैठा हुआ था, अब वो दोबारा वापस चला गया। तो अभी हिचकिचाहट है उसके अंदर, उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला एक आधे दिन में उसकी ये हिचकिचाहट ख़त्म हो जाएगी। माशाल्लाह से बड़ी स्पीड है इनकी, अभी मैंने इन्हें डाला और माशाल्लाह से कितनी स्पीड से ये चटन कर रहे हैं। और जो यहाँ पे हमारे मेहमान हैं ये देखिए माशाल्लाह से ये भी कितने शौक से खा रहे हैं, चेक करें। और इनके साथ देने के लिए ना नीचे कुछ यहाँ पे आके खा रहे हैं बैठ के, आप काम चेक करें इनके। मैंने इनसे पूछा कि इनके लिए मैंने वहाँ पे डाला तो है, वहाँ पे खाए, लेकिन इन्होंने यहीं पे खाना है। जब मैं रात को ऊपर आया हूँ तो यहाँ पे पानी था सारा, वहाँ पे डक्का खोला पानी निकल गया सारा, और यहाँ पे जो मैंने सुराख किया हुआ था ये आप देख सकते हैं, यहाँ से पानी बिल्कुल नीचे आ रहा था, तो मैंने नीचे ये दाबड़ा रख दिया था कि इसके अंदर पानी जाता रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जानवर सारे अल्हम्दुलिल्लाह से आप देख सकते हैं कि सेफ हैं, इन्हें कोई इशू नहीं है। ये सारे माशाल्लाह से ना भीगे हैं ना ही इनको माशाल्लाह से प्रॉब्लम बनी है।
वो देखिए उसको कल का मैंने उधर रखा है, अब वो लड़के जबरदस्ती है माँ से फीड लेता है, कहता है अंडों पे बैठना तो बैठो डाल ले मुझे फीड दो। वो आके अंडों पे बैठने के लिए आई है, वो जुड़ गया उसके साथ कि मुझे फीड दो, ये फिर उसको फीड करवा देती है। जब तक फीड करवाती रहेगी मैं इसको फीड इधर इसके पास रखूँगा। ये देखिए ये यहाँ पे माशाल्लाह से फीड हो रही है, पहले इसने जाके दाना खाया और ये माँ अच्छी है, इसने माशाल्लाह से अपने बच्चे सारे पाले हैं और अभी भी ये देखिए किस तरह से इनको फीड करवा रही है माशाल्लाह से, ये चेक करें। इसके नीचे मैंने नया, ये बेचारी परेशान थी तो मैंने नया जो टर्की का अंडा आया वो मैंने इसके नीचे रख दिया, तो अब ये नए अंडे के ऊपर बैठ गया। अल्लाह करे इस दफ़ा ये कामयाब हो जाए, अल्लाह तेरी शान अल्लाह तेरी कुदरत। ये देखें पहले एक बच्चे को फीड करवाती है फिर दूसरे बच्चे को फीड करवाती है, तो वो बच्चा लड़ रहा है कि मुझे फीड दो अंडों। सही बात है, अंडे पहले फीड देनी चाहिए फिर अंडों के ऊपर बैठना चाहिए, पहले उसको पाल लो फिर उसके बाद नए अंडे दो। फटाफट नए अंडे दे के उस पर बैठ गई है और उसका ख्याल छोड़ दिया इसने, वो बैठने भी नहीं दे रहा। ये सारा खड़े होके नज़ारे देख रहा है कि जनाब हो क्या रहा है। इसके अम्मा भाई हैं नीचे और ये भी दोबारा अंडे देने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि इनका बच्चा माशाल्लाह से बड़ा हो गया हुआ है। अब वो कहते हैं जी कि उधर से निकलो और ख़ुद खाओ पियो, और वो भी पैर जो उनसे ये उसका बच्चा है, ये जो उनसे ना ये माँ है और वो बच्चा है, और बच्चा जो उनसे ना वो पेयरिंग करने की कोशिश कर रहा है, और इसका भी ये बच्चा माशाल्लाह से ये देखें सेम भी उसी तरह से अपने माँ बाप की तरह से, जिसमें से पहला बच्चा निकला ना सेम वैसा ही ये बच्चा। पहले दाना खाया इसने, अब आके जनसी ना वो कहती है जी ये ना हो कि घास ख़त्म हो जाए मैं वो भी खा लूँ। हाँ जी आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको मुझसे पूछ लो, कुछ चाहिए हैं। बहुत क्यूट जानवर है यहाँ, देखिए किस तरह से लड़ रहे हैं। जब पेट भर जाता है ना तब लड़ना शुरू कर देते हैं, जब तक पेट खाली होता है इनका तब तक इत्फाक से खाते हैं, तब तक लड़ाई नहीं होती, और वहाँ मिसलसल लड़ाई चल रही है। ठीक है ना, उसका इलाज है, क्यों उसने अंडे दिए हैं। हाँ जी अब मेरा शहजादा, ये मेरा शहजादा, क्या हुआ खाओ आप भी। तो कि अब आगे यहाँ पे दाने के ऊपर जुड़ गया माशाल्लाह से, तो कहता जी मैंने वो खा लिया अब मैं दाना खा लूँ थोड़ा सा, और ये जिनके पेट भर गए हैं वो वहाँ पे चले गए हैं उस एरिए में, वहाँ पे जाके गुड़गुड़ू जो उनकी आवाज़ होती है वो उधर से पानी पी रहा है, इधर साफ पानी है इधर पी ले, वो भी पानी साफ है लेकिन वो बारिश का पानी खड़ा है उधर, चेक करें उनके काम है पानी वो भी साफ लेकिन वो बारिश का खड़ा हुआ है वहाँ पर। ये देखें इसके पैर देखें, नोट करें ज़रा पैर इसने किधर रखा हुआ है, वो नीचे से मासूम हिलता भी नहीं अपनी जगह से, वो कहता है अच्छा पैर रख दिया ऊपर कोई बात नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ इतना वजन मैं कैसे बर्दाश्त करूँ। ये उसके पीछे पीछे जा रहा है कि पेयरिंग करने के लिए कि दोबारा अंडे दे और दोबारा अंडों पे ड्यूटी दे बैठ के, और जिधर फीमेल जाएगी उसका मेल उसके पीछे जाएगा, मेल जो सा ना वो अपनी फीमेल को अकेला नहीं छोड़ता। ये वाली टर्की हमारी पता नहीं अंडे दे रही है कि नहीं दे रही, लेकिन अंडा अब आलमोस्ट डेली आ रहा है, कल भी उठाया था परसों भी उठाया, आज भी सुबह मैंने अंडा उठाया, तो अब पता नहीं ये दोनों शायद दे रही हैं, अगर तो दोनों दे रही हैं तो फिर ये 25 अंडे दे के कुड़क हो जाएगी, वो नहीं कुड़क हुई उसने सिर्फ अंडे ही दिए हैं उसने कुड़क नहीं मला। दोस्तों आज की वीडियो उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, जिन दोस्तों भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सेम चैनल सेम नाम से हमारा फेसबुक के ऊपर है, वहां पर भी हमें फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे कल आपसे एक नई सुबह एक नई वीडियो के साथ, ढेर सारी दुआओं के साथ इजाजत है अपने भाई को, अल्लाह हाफिज़।